जो अगर कच्चे माल में चल रहे हैं वही आपको बताएंगे कि कच्चे माल में भाड़ा कैसे मिलेगा। तो अब महादेव सभी को, आप सभी का स्वागत करते हैं एक और वीडियो में। तो वापस से आ गए एक इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ। थंबनेल आपने देखा ही किस टॉपिक पे वीडियो है। तो इस टॉपिक पे वीडियो बनाना इसलिए भी इम्पोर्टेंट समझा क्योंकि ये टॉपिक ही इम्पॉर्टेंट है। गाड़ी आपने ले ली, एक वीडियो मैंने बना ही दिया था, गाड़ी ले लिया, अब आगे क्या करें, सारा कुछ तो आपने कर लिया। आपका बचा जो है वो है भाड़ा कैसे मिलेगा। भाड़ा, प्रॉफिट, लोकल चलेंगे, कच्चा माल में चलेंगे कि कहाँ चलेंगे आप, जो प्रॉफिट होगा, या मैं सब चीज़ें इन मतलब डिटेल में बता दूंगा कि आपको किस चीज़ में प्रॉफिट होगा और किस चीज़ में प्रॉफिट नहीं होगा, या मतलब अर्निंग होगी जो वो थोड़ी ज़्यादा बहुत ज़्यादा, मतलब चीज़ यही है, आपके मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना कमा सकते हैं या आप कितना कमाना चाहते हैं, आपके ज़रूरत के हिसाब से इस धंधे में भी कमा सकते हैं। और इस धंधे के दो तीन मैं मेन पॉइंट बताऊंगा जिससे आप अर्निंग कर सकते हैं। वीडियो का मान लीजिए टाइटल तो है भाड़ा कैसे मिलेगा, बट मैं अर्निंग भी बताऊंगा कि इसमें तकरीबन तीन तरीके से पैसे आप कमा सकते हैं। वो तीन तरीका क्या है? पहला ये कि आप इस गाड़ी को लोकल चला सकते हैं अराउंड 100 to 150 किलोमीटर। ये हो गया आपका मतलब लोकल 100 से 150 किलोमीटर चलाना, इसको लोकल बोलते हैं, क्योंकि 100 किलोमीटर के आसपास का आपका भाड़ा होगा 3,000 रुपये, जिसमें से अगर आपके पास महिंद्रा बोलेरो पिकअप है तो वो तेल पिएगी आपका तकरीबन 1500 के आसपास, 1200 से 1500 के आसपास तेल पी जाएगी 100 किलोमीटर का, ठीक है। तो ये हो गया आपका 1200 से 1500 के आसपास तेल पीना, जैसे जिसकी गाड़ी मेंटेनेंस के हिसाब से तेल पिएगी। तो आपके पास आसपास टोल है तो वो भी होगा, और ड्राइवर चलाता है तो वो भी होगा, तो आप बचत आप खुद ही जोड़ लीजिए। अगर स्वयं आप चालक और मालिक दोनों हैं, कि मालिक भी हैं और गाड़ी के चालक भी हैं, चला भी रहे हैं, तो आपको पूरा आप अपने हिसाब से खर्च करेंगे और अपने हिसाब से आप बचाएंगे। तो ये हो गया लोकल। अब लोकल भाड़ा कैसे मिलता है ये हम बता देते हैं कि आप अपने आसपास जहाँ से भी बिलोंग करते हैं, आपके आसपास 30 से 40 किलोमीटर दूर, 50 किलोमीटर दूर कोई आपका डिस्ट्रिक्ट लगता होगा जहाँ पे बड़ा मार्केट है, और वहाँ पे ट्रांसपोर्ट ज़रूर होगा। जैसे कि छोटे मार्केट हैं, मसाला मंडी होगा, सब्जी मंडी होगी, और जहाँ पे होम के मतलब किचन के सारे सामान मिलते होंगे और बहुत सी चीज़ें, वहाँ पे जाइए आप, पता करिए मार्केट। वहाँ पे आप दुकान वालों से नहीं पूछेंगे कि भाड़ा कैसे मिलेगा, ये मेरा एक्सपीरियंस है जो मैं बता रहा हूँ। आसपास कोई न कोई ट्रांसपोर्टर ज़रूर होगा, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर होता है, जो बड़ी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, क्योंकि अब तो बहुत सारे ऑनलाइन चीज़ों का ज़माना आ गया, आपको कुरियर का सामान भी है तो मान लीजिए आ ही जाता है, या बड़ी बड़ी चीज़ें हैं हर डिस्ट्रिक्ट में बनती हैं, आता जाता है। तो बनारस में मतलब मैं बनारस से हूँ, तो हमारा बनारस में लहर तारा में सबसे ज़्यादा ट्रांसपोर्ट है, तो वहाँ से हमको इजीली भाड़ा पक्के माल में मिल जाता है और अच्छे से अच्छे चीज़ों का भाड़ा मिल जाता है, मोबिल, मसाला और घर के सामान, बहुत सी चीज़ों का भाड़ा मिल जाता है। तो ये पता कर लें आप, ये हो गया आपका पहला कि आपको भाड़ा कैसे मिलेगा। आसपास ट्रांसपोर्टर पता कर लें, या कोई फ्रेंड हो जो कि इस धंधे में हो वो इजीली बता सकता है आपको कहाँ भाड़ा मिलेगा। और या तो गाड़ी वालों से आप ज़्यादा कनेक्ट रहिए, जितना हो सके उतना अपने आसपास के गाड़ी वालों से कनेक्ट रहिए, आपको इजीली भाड़ा मिल जाएगा। ये पहला तरीका। दूसरा तरीका ये हो गया कि कच्चे माल में चलना है। इसका सबसे बड़ा ये है कि कच्चे माल में चलना है, सबसे ज़्यादा मेहनत है और बहुत ज़्यादा पैसे हैं। देखो बात जो है साफ बता दे रहा हूँ, भाड़ा उतना ही है, 3,000 रुपये ही लगेगा आपको कच्चे माल में भी, लेकिन बस ये है कि 100 किलोमीटर के बदले हमको 400 किलोमीटर जाना पड़ता है। इसको लॉन्ग बोल सकते हैं कि लॉन्ग टूर में चलती है गाड़ी, लंबा चलता है। तो ये हो गया लंबे में चलना। दूसरा, या आप इसमें गाड़ी इजीली चला सकते हैं। इसमें आपको कैसे भाड़ा मिलेगा ये भी मैं बता देता हूँ। आपके डिस्ट्रिक्ट, जिले के आस पास मतलब सब्जी मंडी होगी, सब्जी मंडी है तो आप सब्जी मंडी जाइए,
और जैसे कि छोटी सब्जी मंडी होगी तो आपको भाड़ा नहीं मिल पाएगा, मैं बता रहा हूँ। और कच्चे माल में मंडी से कम भाड़ा मिलता है, मंडी से भी वही कंडीशन है कि आप लोकल ही चल सकते हैं। अगर बहुत बड़ी मंडी है, वहाँ पे फ्रूट मंडी, फल मंडी है, सब्जी मंडी है, जैसे कि यूपी में नवीन मंडी होती है, तो लगभग जैसे गोरखपुर है, बनारस है, आजमगढ़ है, तो इन लोग बड़ी बड़ी ट्रक लगवाते हैं, ठीक है। तो इसमें छोटी छोटी गाड़ियों में ट्रक का माल कट करके छोटे छोटे, जो कि बहुत छोटी छोटी मंडियाँ हैं, एक डिस्ट्रिक्ट के मतलब एक ज़िले के अंदर लगभग लगभग 10-15 मंडी हो जाती होगी, क्योंकि मैं जहाँ रहता हूँ इस 30 किलोमीटर के अंदर 5 तो बनारस के अंदर मंडी है, 5 नहीं, 1, 2, 3, 4, हाँ 5, 5 मंडी बनारस के अंदर है। बनारस से इधर आते जाएंगे 1, 2, 3, 4, मधुपुर 5, उसके आगे रावर्सगंज 6, हिंदवारी 7, मतलब ये 55 किलोमीटर के अंदर आपको 7 मंडी मिली। 7 मंडी में से सिर्फ एक नवी, दो मतलब दो नवीन मंडी है और रावर्सगंज वाली 3, 7 मंडियों में 3 बड़ी नवीन मंडी है। तो यहाँ पे जो बड़ी बड़ी ट्रकें लगती हैं तो यहाँ पे भाड़ा मिल सकता है आपको। और हम लोग जो कच्चे माल में चलते हैं उसमें भाड़ा ऐसे मिलेगा आपको कि आपके आसपास आप पता करिए कि खेती कहाँ पे होती है सबसे ज़्यादा, क्योंकि कच्चे माल में चलने के लिए आपको खेती ज़रूरी है। कि हमारे मधुपुर में है, टमाटर होता है, मिर्च होता है, खेत में ही होता है, तो किसान मंडी तक ना लेके जाए, तो हम लोग गाड़ी खेत से लोड करते हैं और मंडी हम लोग ले जाके छोड़ देते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका दूसरा ट्रिक कि आपको आसपास अपने पता करना है, और इसमें भी आप गाड़ी वालों से कनेक्ट रहिए, जो अगर कच्चे माल में चल रहे हैं वही आपको बताएंगे कि कच्चे माल में भाड़ा कैसे मिलेगा। तो और ऐसा नहीं है कि आप अपने आसपास ही पता करिए, जैसे कि आप उत्तर प्रदेश से हैं तो मैं बता देता हूँ, उत्तर प्रदेश से हैं जैसे कि मेरे बगल की डिस्ट्रिक्ट बता देता हूँ, चंदौली है, मिर्ज़ापुर जहाँ से मैं खुद बिलोंग करता हूँ, बनारस मैं वहाँ भी रहता हूँ और उसके बाद हो गया गाजीपुर, बलिया, मऊ, गोरखपुर, आजमगढ़, ये सारी देवरियाँ, इन जगहों पे अगर आप रहते हैं तो गाजीपुर में एक जगह है पथलगंगा, अगर आप गाजीपुर से हैं तो वहाँ इजीली भाड़ा मिलता है, सीजन सीजन मिलता है। और आप ये ध्यान दीजिए सुबह जाके मंडी में कि जो कि व्यापारी माल कहाँ से मंगा रहा है, आप अपने मंडी के व्यापारियों से कनेक्ट कीजिए, वो दूर दूर से अगर माल मंगा रहा है तो उससे आप कनेक्ट कीजिए, उससे बोलिए कि हम जाएंगे लेके आएंगे, क्योंकि हम लोग बनारस में रहते हैं तो हमारा जबलपुर से भी मटर आता है, सीजन बाय सीजन बता रहा हूँ, जबलपुर से मटर आता है तो हम लोग जबलपुर चले जाते हैं, वहाँ से इजिली हमारे मंडी वाले ही हमको भेज देते हैं, यहाँ से कुछ एडवांस दे देंगे, वहाँ जाके माल लोड करके आ जाएंगे। ये हो गया मंडी से मतलब हमारा भाड़ा जबलपुर, ये MP जाना पड़ेगा, उसके बाद वो लोग बरेली वरेली हमको भेजेंगे, टमाटर होता है उधर, उधर चले जाते हैं, उसके बाद रांची चले जाते हैं हम लोग खाली, मतलब वहाँ से सिर्फ लाने के लिए, जो हमारे यहाँ जाता है तो बहुत कुछ, जैसे हम बता रहे हैं यहाँ से हम लोग रांची भी चले जाते हैं, अगर रांची से मटर आता है, बैंगन आता है और बीन्स आती है, बहुत सी चीज़ें रांची से आती हैं, तो हम लोग रांची चले जाते हैं, वहाँ से लेके आते हैं। और उसके बाद बंगाल जैसे हो गया दुर्गापुर, किशनगंज, बर्धमान, अभी बर्धमान से मर्चा आएगा तो बनारस से भी लोग बर्धमान जाते हैं और वहाँ से मर्चा लेके आते हैं। तो ये हो गया बंगाल, मतलब समझिए कि आप एक जगह से भाड़ा नहीं ढूंढ सकते, आपको बहुत, ये जो लोग बोलते हैं कि कच्चे माल में गाड़ी कैसे चलाए ना, तो कच्चे माल में ऐसे ही गाड़ी चलती है कि आपको बहुत दूर दूर खाली गाड़ी लेके जानी पड़ेगी, आपके मंडी वालों से कांटेक्ट करके और वहाँ से आपको लेके आना पड़ेगा। तो ये हो गया कच्चे माल का। तो कच्चे माल में अब आपको इतना बता दिया, आपको समझ में आ गया होगा। और आप हमेशा ड्राइवरों से ही कनेक्ट रहिए, ट्रांसपोर्टर के भरोसे मत रहिए, क्योंकि आप अगर ड्राइवरों को जानेंगे तो ड्राइवरों के थ्रू आपको इजिली बहुत जल्दी भाड़ा मिल जाएगा। तो कच्चे माल में चलना बहुत डिफ़िकल्ट है, पहली चीज़ ये याद रखें आप कच्चे माल में चल रहे हैं तो, क्योंकि कच्चे माल में चलने के लिए आपको 24-24 घंटे जागना पड़ सकता है अगर लॉन्ग चल रहे हैं तो। कच्चे माल में मतलब यही नहीं कि सिर्फ सब्जियां आ गई, कच्चे माल में मंडी देना पड़ता है, जैसे कि मछली हो गई, इसका भी मंडी देना पड़ता है। तो ये चीज़ें हैं, इनमें जब भी आप चले बहुत केयरफुली चले, मैं रिकमेंड करूँगा आप दो लोग ही हों, दो लोग होंगे तो आपको आसानी होगी गाड़ी चलाने में। और कच्चे माल में चलना बहुत जागना पड़ता है, बहुत, कच्चा माल ही सबसे अच्छा प्रॉफिट देता है।
अदरवाइज अगर आप किसी चीज़ में चल रहे हैं तो उतनी प्रॉफिट नहीं कमा पाएंगे जितना कच्चे माल में प्रॉफिट कमा लेंगे। एक अंदाज़ा बता देता हूँ कि अगर आप कच्चे माल में कंटिन्यू 1 महीने चल लेते हैं तो ये समझ लीजिए कि आप अपने गाड़ी की 3 किस्त आराम से दे सकते हैं। अब वो किस्त कितनी होगी वो आप सबको पता है, तो 3 किस्त आराम से नहीं दे सकते हैं, मतलब अगर देना चाहें तो आप 3 किस्त दे सकते हैं, उसके बाद आप मत खाइए कुछ क्योंकि आपको खाना भी है, खर्चे भी देखने हैं, गाड़ी का मेंटेनेंस भी देखना है, सब देख के नहीं हो पाएगा। बट अगर खाली किस्त भरना हो तब बताएं। तो ये हो गया, और आते हैं तीसरे पॉइंट पे। तीसरा पॉइंट है कमीशन एजेंट बन के पैसे कमाना, जिसे हम ट्रांसपोर्टर भी बोल सकते हैं। ये इजीली तुरंत तो होने वाला नहीं है। आप धंधे में आए, पुराने हो गए जैसे मैं हूँ, तो मेरे पास अभी मान लीजिए कि एकदम मंदी है, किसी के पास काम नहीं है। मैं भी 4 दिनों से 5 दिनों से घर पे ही हूँ, आज तकरीबन 4th दिन है। वही एक लोकल भाड़ा मार के घर पे हूँ, आज 4th दिन है। तो काम किसी के पास नहीं है। तो जब आप इस धंधे में पुराने हो जाएंगे, आपको पार्टी जाने लगेगी, लोग जाने लगेंगे, तो आपसे करेंगे आप गाड़ियाँ भेजना चालू कर दीजिए। आसपास की 2-4-5 गाड़ियाँ पकड़ लीजिए, इजीली आपको 10,000 के भाड़े में 300 से 400 रुपये मिल जाएगा। तो अगर आप दिन के 4-5 गाड़ी भेज रहे हैं, 1200 से 1500 रुपये आप इजीली कमा सकते हैं, ऐसे ऊपर का खर्च। तो ये हो गया तीसरा। तो इतने में तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि आप भाड़ा कैसे खोजे या कैसे पैसे कमाए इससे। ठीक है, यही था एक इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए। तो वीडियो को ही एंड करते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, हमारे इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अगले वीडियो की टॉपिक क्या होगी ये भी आप हमें बता दीजिए, हम उस टॉपिक पे वीडियो बना देंगे। तो लेते हैं अलविदा, मिलते हैं किसी और वीडियो में आप सभी से। तब तक के लिए धन्यवाद।